गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, आपको आपके बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा रही हूँ। आज के लेक्चर में हम श्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को स्टडी करेंगे, और इसको डिराइव करने से पहले आपको बताना होगा कि इसकी क्या आवश्यकता है। नीड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में 5 मार्क्स का 5 मार्क्स का या इससे ऊपर मार्क्स में पूछा जाता है। पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इस एक डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित है। सो दैट्स वाई दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी आवश्यकता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करने के लिए न्यूटन के द्वारा नियम दिए गए थे। न्यूटन के नियमों की सहायता से हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। उसका मोमेंटम क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उन सब के बारे में हम बता सकते हैं। लेकिन यदि पार्टिकल एटॉमिक डायमेंशन का है, साथ ही ड्वेल नेचर रखता हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ड्वेल नेचर का अर्थ जैसे कि डी ब्रोगली ने बताया था कि जो जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहती है, जिसको उसने मैटर वेव कहा, और उसके आधार पर कहा गया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ड्वेल नेचर रखते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए न्यूटन के नियमों की सहायता नहीं ली जा सकी। न्यूटन के नियमों की सहायता से हम नहीं डिस्क्राइब कर सके उसके कंप्लीट बिहेवियर को। तो ऐसे पार्टिकल्स के कंप्लीट बिहेवियर को स्टडी करने के लिए श्रोडिंगर्स की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की आवश्यकता पड़ी। सो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? एक्चुअली दिस इक्वेशन इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज़ अ फंडामेंटल इक्वेशन। इट इज़ अ फंडामेंटल इक्वेशन। इस समीकरण को हल करके हमें वेव फंक्शन प्राप्त होता है, और वो उस वेव फंक्शन की सहायता से हम उसके कंप्लीट बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो क्या आवश्यकता हुई कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो ड्वेल नेचर रखता हो, उसके कंप्लीट बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वेव फंक्शन की आवश्यकता है, और वे फंक्शन प्राप्त करने के लिए हमें श्रोडिंगर्स की एक डिफरेंशियल इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है आपकी नीड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका डेरिवेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं। लेट अस कंसीडर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। हमने एक पार्टिकल लिया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया, जिसका मास क्या है, मास इज m एंड इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लस x। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज से px एंड द टोटल एनर्जी इज से e। ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब चूंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। लेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद सच अ पार्टिकल इज से लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी एक्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज न्यू विच इज इक्वल टू ई अपॉन एच बिकॉज द पार्टिकल हैव एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस। So therefore nu comes out to be E upon H. Now as lambda is equal to H upon Px, or you can say Px is equal to H upon lambda, now multiply by 2 pi to the denominator and numerator, यानी ऊपर और नीचे हम दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं,
2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस इक्वेशन को, सो पी एक्स कम्स आउट टू बी 2 पाई एच अपॉन 2 पाई लैम्डा। अब 2 पाई अपॉन लैम्डा को हमने ऐसे लिख दिया, एच अपॉन 2 पाई को ऐसे लिख दिया है। नाउ 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली द प्रोपोगेशन वैक्टर या वे वैक्टर भी कहते हैं, तरंग सदिश भी कहते हैं इसको, एंड एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एच क्रॉस। सो पी एक्स कम्स आउट टू बी के एच क्रॉस, और के प्रोपोगेशन वैक्टर के इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एच क्रॉस से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड एज एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू, अगेन यहाँ भी हमने ऐसे किया, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, सो एच अपॉन 2 पाई, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा, एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी ई अपॉन एच क्रॉस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ द प्लेन वेव जिसे हम मैटर वेव कह रहे हैं, जिसकी इक्वेशन हम यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं, चूंकि ये क्या है, एक वेव है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्वांटिटी साई, इसको हम साई के द्वारा यानी वेव फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द वेव फंक्शन, फॉर द पार्टिकल ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन हैज द फॉलोइंग फॉर्म, वेव फंक्शन की जो फॉर्म है वो किस प्रकार से है, साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक प्रकार की क्या है, वेव इक्वेशन है। जैसे आप वेव इक्वेशन पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या आता है आपके पास, वाई आता है यानी डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, वेव फंक्शन आ रहा है। ए क्या है यहाँ पर, आयाम यानी एम्पलीट्यूड है, यहाँ मैटर वेव का एम्पलीट्यूड है ए। ओमेगा क्या है, ओमेगा उस वेव की, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और के क्या है इसका, प्रोपोगेशन वैक्टर यानी वेव वैक्टर है। तो मैटर वेव जिसे हमने द वेव विच इज एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। नाउ समीकरण 1 और 2 का इस्तेमाल करते हुए हम ओमेगा और के को यहाँ से रिप्लेस करते हैं, सो साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस टी, ओमेगा की जगह हमने ई अपॉन एच क्रॉस रख दिया इक्वेशन नंबर 2 से, और इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं की को, दैट इज इक्वल टू ई अपॉन एच क्रॉस टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस। नाउ हमने क्या किया, आई अपॉन एच क्रॉस को हमने कॉमन लिया है, और ये आपके पास माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस कम्स आउट टू बी साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्लेन वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम एम पी एक्स एंड टोटल एनर्जी ई मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, यानी ये क्या आ गई, ये आपके पास किसकी समीकरण आ गई, ये समीकरण आ गई आपकी एक प्लेन वेव की, कौन सी वेव, जिसे हमने मैटर वेव कहा है, जिसका संवेग पी एक्स है और जिसकी कुल ऊर्जा ई है, और ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैटर वेव। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जो वेव फंक्शन साई है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या करा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है, सो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका कोफिशेंट आपका बाहर आ जाएगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी। नाउ दिस इज वॉट, अगेन ये हमारे पास क्या आ गया, साई, सो डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई साई, और ई साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन आई डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम आई को अपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर आप जानते हैं कि आई बराबर क्या है, आई इज इक्वल टू माइनस वन अंडर रूट माइनस वन, सो आई स्क्वायर कम्स आउट टू बी माइनस वन,
सो माइनस और माइनस मिलकर हो गया आपका प्लस. सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी ई साई एक्स टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी. से दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब एक्स के रिस्पेक्ट में साई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. सो डेल्टा साई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आई अपॉन एच क्रॉस. अब एक्स का कोफिशियंट आपका बाहर आ जाएगा पी एक्स ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फिर से हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी मुझे डबल डिफरेंशियल चाहिए था. सो डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स. अगेन बाहर आ गया आपके पास. सो दिस कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर ए ई की पावर आई अपॉन एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी. अगेन दिस इज वॉट, दिस इज साई. सो आई स्क्वायर कम्स आउट टू बी माइनस 1. सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई. और पी एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर. अब क्या करें, 2m को पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम 2m से डिवाइड कर रहे हैं. सो डिवाइड दिस इक्वेशन, इस समीकरण को हमने 2m से दोनों तरफ डिवाइड किया है. सो दिस कम्स आउट टू बी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी, यहाँ ये इक्वेशन जो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 6 बन गई है. हम अब क्या कर रहे हैं, हमें निकालनी क्या है, हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. शुरू में हमने एज्यूम किया था कि ई उस मूविंग पार्टिकल की टोटल एनर्जी है. अब चूंकि पार्टिकल मूविंग है तो उसके अंदर दोनों प्रकार की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. सो बिकॉज द पार्टिकल इज नॉट फ्री, यदि वो फ्री होता तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाती. बट द पार्टिकल इज नॉट फ्री, इट इज सब्जेक्ट टू सम फोर्स. सो द टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. दोनों का सम ले लिया हमने यहाँ पर. सो कुल एनर्जी हो गई हमारी ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम साई, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस वी साई इट इज पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद हम क्या करा, साई से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है. इस जो टोटल एनर्जी हमने निकाली थी समीकरण 7 में, उसको हमने दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई किया. सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी ई साई इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम साई प्लस वी साई, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 8. ऊपर हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 में ई साई का मान और पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम साई का मान हम निकाल चुके हैं. तो वहाँ से हम समीकरण 5 और 6 का प्रयोग करते हुए समीकरण 8 को लिख सकते हैं. आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी साई. और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 9. एंड दिस इज श्रोडिंगर्स वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इन अ पोटेंशियल फील्ड वी. यानी यह समीकरण हमारी श्रोडिंगर्स की टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है ऐसे पार्टिकल की जो कहाँ मूव कर रहा है, विभव क्षेत्र वी के अंदर मूव कर रहा है. अब यदि ये पार्टिकल आपका फ्री है, फ्री नहीं है, यदि फ्री नहीं है तो आपके पास वी आएगा. और यदि पार्टिकल आपका फ्री है, पार्टिकल पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा है, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, इस स्थिति में हम वी को जीरो रख देते हैं. ये हो गई आपकी वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. इसी से हम फिर थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन भी लिख सकते हैं. सो इन थ्री डायमेंशन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम. इसको हम पहले इधर लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर. बिकॉज इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल इक्वेशन, सो पार्टिकल मे कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन एज वेल एज इन जेड डायरेक्शन. इट कैन मूव इन ऑल थ्री डायरेक्शंस. सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी
माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस वी साई। हेयर साई इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी। आर क्या है आपका पोजिशन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साई आर टी। और दिस कैन बी रिटन एज साई को यदि मैं यहाँ से बाहर ले लूँ सो दिस क्या बन गया आपके पास डेल स्क्वायर यानी लाप्लासियन ऑपरेटर आ गया। सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साई विच इज फंक्शन ऑफ आर एन टी। सो दिस इज लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 10। सो दिस इज द थर्ड थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो इस प्रकार से आज के आर्टिकल में हमने पढ़ा श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन किया हमने और श्रोडिंगर इक्वेशन की क्या आवश्यकता थी। सो दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे के जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इसी श्रोडिंगर इक्वेशन पर बेस्ड है। धन्यवाद। थैंक यू।